हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करते हैं मिथुन दा की फिल्म रावण राज के बारे में, जो 1995 28 जून 1995 को रिलीज हुई थी, जो पहले पर्दे पर आई थी। इस फिल्म में ऐसा ज्वलंत मुद्दा दिखाया गया है जो आज भी प्रासंगिक है। इसी ज्वलंत मुद्दे पर रॉकी हैंडसम नाम की जॉन अब्राहम की एक फिल्म आई थी, जिसमें जो है शरीर के अंगों की जो विक्री होती है, जो लोगों को किडनैप करके उनके अंग बेच दिए जाते हैं, जैसे कि किडनी है, आँख है, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं मुद्दों पे ये फिल्म बनी थी रावण राज, जिसमें जो है मिथुन दा के साथ में मेन विलन का किरदार आदित्य पंचोली ने निभाया था। दोस्तों, मिथुन दा के साथ इसमें जो है आदित्य पंचोली, परेश रावल, जॉनी लीवर, हरीश पटेल, मधु और शक्ति कपूर, जिन्होंने ऑटो केसरिया का बेहतरीन किरदार किया था। बहुत ही उम्दा फिल्म थी। और मिथुन चक्रवर्ती ने, मिथुन दा ने जो रोल किया है एक एसीपी का, जब वो जिस शहर में उसकी पोस्टिंग होती है, उसे पता चलता है कि कई महिलाओं को जो है उठा लिया गया है, कई महिलाएं गायब हो चुकी हैं। और जब वो वारदात के अंजाम तक पहुंचता है, तो उसे एक बहुत बड़ी गैंग का जो है पता चलता है, एक ऐसी गैंग जिसमें नेता भी मिले हुए हैं, कई लोग मिले हुए हैं, कई गैंगस्टर भी मिले हुए हैं, और एक डॉक्टर होता है जो ये सब पूरा गैंग चला रहा होता है, और वो लोगों को किडनैप करके उनके जो है हार्ट किडनी निकाल के बेच देता है। तो इस तरह की जो है कहानी है रावण राज, द ट्रू स्टोरी इसका नाम है। 1995 में आई थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख के लागत से बनी थी, और तकरीबन इसने 8 करोड़ का व्यापार किया था। तो सोचिए कि फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी, और इसको टी रामा राव ने बनाया था, बल्कि इसको लिखा था संजीव दुग्गल ने, प्रोड्यूस किया था मनोज चतुर्वेदी और बॉबी आनंद ने। दोस्तों, मिथुन दा ने जो साउथ के डायरेक्टर हैं, चाहे टी रामा राव हो, चाहे TLV प्रसाद हो, उनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया है और एक से एक बेहतरीन फिल्में दी है। तो इसमें कई सारी फिल्में आप जब देखेंगे तो उनकी कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इन सब विषयों पर जो है आजकल फिल्में भी बहुत कम बनती हैं। मिथुन दा इसको एकदम अपने अलग स्टाइल में लेकर के आए थे, और इस फिल्म के जो गाने थे वो भी कमाल के थे। इसमें हरीश पटेल का किरदार जो है बहुत ही अच्छा है, और जॉनी लीवर का किरदार जो इसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार किया है, बहुत ही अच्छा और उम्दा है। और परेश रावल के किरदार की बात कीजिए ही मत, हे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता, ये वाला संवाद उनका काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। और शक्ति कपूर का जो ऑटो केसरिया का किरदार है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। 4.5 की इसकी IMDb रेटिंग है। और इसके अलावा जो है आप जब इसको देखेंगे तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। बाकी मिथुन दा के फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं, प्रशंसक हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक बटन जरूर दबाइए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।